सर मोटावती का एक सिर्फ मतलब सुना देता हूँ और ये नज़्म आपके दरमियान बहुत ही जल्द आएंगे इंशाल्लाह। कि मेरे ओट में कितना है दम अब की बार बताएंगे, अब की बार बताएंगे। दोस्तों मेरे दरमियान कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हमें बड़े बड़े ख्वाबों में दे जाते हैं और जब वक्त आते हैं मेरे दरमियान वो नहीं रहते। मैं उन तमाम नफरत वाली ताकतों को जहन में रखते हुए शेर हाजिर करता हूँ। कि मेरे ओट में कितना है दम अब की बार दिता, अब मेरे ओट में कितना है दम अब की बार दिखाएंगे, अब की बार दिखाएंगे। मेरे ओट में कितना है दम अब की बार दिखाएंगे, महागांव विधानसभा में अवैसी को ही जिताएंगे, अवैसी को ही जिताएंगे। महागांव विधानसभा में अवैसी को ही जिताएंगे, अवैसी को ही जिताएंगे। दोस्तों आइए एक नज़्म बादल की, एक आपकी अदालत में एक नज़्म पढ़ता हूँ जो मेरे दिल के बहुत ही करीब। आप लोग जानते हैं कश्मीर में किस तरह हालात है, वहाँ के हालात को जहन में रखते हुए चार में से पढ़ता हूँ और मैं बड़े लोगों की दुआ चाहता हूँ, पढ़ता हूँ बतौर खास बोला जाकर। कि मेरी खुदाया ईमान की तू हिफाजत कर। दोस्तों कह दीजिए आमीन। खुदाया ईमान की तू हिफाजत कर, नबी के फरमान की तू हिफाजत कर। खुदाया ईमान की तू हिफाजत कर, नबी के फरमान की तू हिफाजत कर। के सब लोग परेशान है यहाँ ऐ मौला, के सब लोग परेशान है यहाँ ऐ मौला, के कश्मीर के मुस्लिमों की हिफाजत कर, के कश्मीर